सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसे सब्सटेंस, एक ऐसे यौगिक होते हैं जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं, उसे रोकते हैं। ऑक्सीडेशन एक केमिकल प्रिपरेशन होता है जो फ्री पार्टिकल्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं और लिविंग सेल्स को डैमेज कर सकते हैं। सो लिविंग सेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए थियोल एवं एस्कॉर्बिक एसिड एक ऐसे रिएक्शन को रोकने का वर्क करते हैं। एंड इम्पोर्टेंस देखें इस एंटीऑक्सीडेंट्स का, तो एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोटेक्ट करते हैं सेल्स को फ्री पार्टिकल से, एंड इम्पोर्टेंट रोल्स होता है कैंसर एंड हार्ट डिसीज में। एंड सेकेंड देखें तो फूड को स्टोरेज करके रखता है, स्टोरेज फूड को कंटामिनेट होने से प्रोटेक्ट करता है। एंटीऑक्सीडेंट में जो कंपाउंड यूज करते हैं उसमें जो फर्स्ट कंपाउंड है वो है हाइपोफास्फोरस एसिड, सेकेंड सल्फर डाइऑक्साइड, थर्ड सोडियम बायोसल्फेट, फोर्थ सोडियम मेटासल्फेट, फिफ्थ सोडियम थायोसल्फेट और सिक्स्थ होते हैं सोडियम नाइट्रेट। सो फर्स्ट कंपाउंड है हाइपोफास्फोरस एसिड। इसका केमिकल फॉर्मूला HPH2O2, मोलिकुलर वेट 66.00। एंड इसका प्रिपरेशन देखें तो कैल्शियम हाइपोफास्फोरस विथ सल्फर 2 सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं H2SO4, वो आपस में रिएक्ट करके ये बनाते हैं हाइपोफास्फोरस एसिड। प्रॉपर्टीज इसका देखें तो यह एक कलरलेस लिक्विड होते हैं और इसका क्रिस्टलिन सॉलिड मेल्टिंग पॉइंट होता है 26.5। इट इज सोल्यूबल होते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी देखें तो 1.493। एसिडिक प्रॉपर्टी के यह होते हैं और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज के रिड्यूस करके रखते हैं डिकम्पोजिशन एसिड को। स्टोरेज देखें तो वेल क्लोज्ड कंटेनर में होते हैं। इसका यूज फर्स्ट होता है ब्रेन नर्व टॉनिक के रूप में इसका यूज होते हैं और यूजली यूज फॉर द एंटी ऑक्सीडेंट के रूप में यूज करते हैं, ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं। प्रिजर्वेटिव के रूप में रखते हैं, फूड प्रिजर्वेटिव मतलब फूड को जब प्रिजर्व करके रखते हैं लंबे समय तक तो उसे खराब होने वाले कंटामिनेट होने नहीं। सेकेंड अपना जो कंपाउंड है वो है सल्फर डाइऑक्साइड। इसका केमिकल फॉर्मूला SO2 एंड मोलिकुलर वेट 64.06। प्रिपरेशन देखें तो इट इज ऑब्टेनेड बर्निंग नाइट्रोजन सल्फेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, सो वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। सो इसका प्रॉपर्टीज देखें तो ये कलरलेस होते हैं, नॉन इनफ्लेमेबल गैस होते हैं, पंजेंट ओडोर के होते हैं, सोल्यूबल इन वाटर, इन सोल्यूबल में या फ्रीली सोल्यूबल नहीं होते हैं लेकिन फ्रीली सोल्यूबल होते हैं एल्कोहल, लाइजोल, हाईली टेम्परेचर के होते हैं, कैटालिसिस प्रकृति के होते हैं, क्रोनिक फ्लोराइड। एंड स्टोरेज देखें तो वेल टाइट क्लोज्ड कंटेनर के रूप में स्टोर होते हैं। यूजेस इसका तो इट इज़ यूजली यूज एंटी ऑक्सीडेंट के रूप में इंजेक्टेबल प्रिपरेशन में, टॉन्सिलाइटिस स्किन प्रिपरेशन में भी होता है, मतलब टॉन्सिल जब बढ़ जाता है थ्रोट में पेन, हाईली पेन वगैरह जो होता है इसमें भी यूज होता है प्रिवेंट करने के लिए, इन्फेक्शन फंगिसाइड्स में भी इसका यूज होता है ज्यूरिंग वार्प्स वगैरह। सो हम नेक्स्ट वीडियो में सोडियम बायोसल्फेट, सोडियम मेटा सल्फेट एंड सोडियम नाइट्रेट्स, इन तीनों कंपाउंड्स के बारे में देखेंगे।